हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से आप सबका स्वागत है था? आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रभा में तो जो बच्चे पेंटिंग की वीडियोस का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे अब उनका इंतजार खत्म हो गया क्योंकि यहां पर हम शुरू करने वाले हैं फाइन आर्ट का सिलेबस सेशन तेईस चौबीस के लिए और ये वीडियो होने वाली है क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस को लेकर के सेशन तेईस चौबीस में कौन सा सिलेबस यानी कि कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं आपके सिलेबस में और कौन कौन सी नहीं है उनको देख लेंगे प्रैक्टिकल के बारे में जान लेंगे और उसके बाद कल से शुरू कर देंगे अपनी चैप्टर वाइज पढ़ाई तो आप लोगों को शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको लेकर के आना है पेंटिंग में अच्छे नंबर अच्छा ये चीज और मैं आपको बता दूं कि पेंटिंग है आपके पास ग्राफिक है या स्कल्पचर है शायद कॉमर्शियल आर्ट भी अगर कुछ बच्चों के पास है तो सबका सिलेबस सेम होने वाला है ठीक है बेटा तो आ, सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्योरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं वो आप सभी को पता ही एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को पता होगा कि भाई पेंटिंग इलेवंथ क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं आगे आ चुके हैं तो भाई थ्योरी हो जाएगी आपकी तीस नंबर की और प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका सत्तर नंबर का तीस नंबर की थ्योरी में आप लोगों के पास तीन यूनिट है क्लास ट्वेल्थ में क्लास इलेवंथ की तरह से ही तो एक तो है आपका राजस्थानी पहाड़ी स्कूल मिनेचर पेंटिंग मुगल और दक्कन स्कूल मिनेचर पेंटिंग बंगाल स्कूल की पेंटिंग और मॉडर्न ट्रंस इंडियन आर्ट तीनों जो यूनिट्स हैं वो दस दस नंबर की हैं आपका जो सेकेंड यूनिट तक है सेकेंड यूनिट तक आपका आएगा मिड टर्म में और उसके बाद जो थर्ड है वो आपका एनुअल एग्जाम में आएगा उम्मीद रहेगी मेरी कि सितंबर में आपके मिड टर्म से पहले पहले आप लोगों का मिड टर्म तक का सिलेबस मैं पेंटिंग में करा दूं तो थ्योरी के कौन कौन से जो पेंटिंग्स हैं इस बार आपके सिलेबस में हैं उन पर अगर हम बात करें तो राजस्थानी पेंटिंग पहाड़ी पेंटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों की ओरिजन डेवलपमेंट आपको हर मिनिएचर पेंटिंग का अलग अलग से पढ़ना रहेगा ठीक है राजस्थान का भी पढ़ना रहेगा राजस्थान के जो कला केंद्र आप लोग देखोगे मेवाड़ बूंदी जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ जयपुर इसके अलावा मेन फीचर्स आपको राजस्थानी स्कूल के देखने हैं और जो पेंटिंग्स है पाँच पेंटिंग्स इस बार हैं पहले चार थी और इस बार एक पेंटिंग आप लोगों की बढ़ गई है राजस्थानी से जहाँ तक है तो मारू रागनी है आपकी शाहब्दीन की चौगान प्लेयर्स है कृष्ण और स्विंग यानी झूले पर कृष्ण है राधा बनी ठनी है और भरत राम का मिलाप है तो ये पांच पेंटिंग आपको राजस्थानी स्कूल से पढ़नी है और पहाड़ी स्कूल के बारे में भी वही सब आप ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे है ना उसका वो बसोरी गुलेर कांगड़ा चंबा गढ़वाल ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे पहाड़ी स्कूल का मेन फीचर्स देखेंगे और जो पेंटिंग्स हैं दो पेंटिंग्स आपके सिलेबस में हैं मनकू की कृष्णा गोपीज नंद ठीक है बसोली कला की है ये बसोली कला केंद्र की है और कृष्ण वृंदावन जाते हुए ये नैनसुख की है कांगड़ा सैली की ये दो पेंटिंग सब पहाड़ी स्कूल से पढ़ेंगे यूनिट सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट सेकेंड आपकी मुग़ल आर्ट पर है और इसके अलावा दक्कन स्कूल है तो मुगल आर्ट का वही ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आप पढ़ोगे मेन फ़ीचर्स पढ़ोगे मुगल स्कूल की जो पेंटिंग्स आपके सिलेबस में है वो है गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण मिस्कन की पेंटिंग है फैलकन बाज बाज का चित्र है उस्ताद मंसूर का कबीर और रैदास चित्र है फ़ीर उल्ला खान का और दारा सिको की बारात हाजी मतनी का है दक्कन स्कूल का उद्भव विकास आपने पढ़ना है मेन फ़ीचर्स देखने हैं और दक्कन स्कूल की जो दो पेंटिंग आपके सिलेबस में हैं वो हैं हज़रत निज़ामुद्दीन ओलिया और अमीर खुसरो हैदराबाद कला केंद्र का है और चांद बीबी पोलो खेलते हुए चौगान ये आपका गोलकुंडा ये आपकी पेंटिंग्स है इसके अलावा यूनिट तीन में जो है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडिया इसके अंदर भी कुछ कुछ आप मिड टर्म्स तक आ जाएगा आपका ये आ जाएगा नेशनल फ्लैग और उसके कलर्स का सिंबॉलिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर आता है हम लोग जरूर पढ़ेंगे इसके बाद ये बंगाल स्कूल का ओरिजिनल डेवलपमेंट मेन फीचर्स बंगाल स्कूल के ठीक है ये सब आ जाएगा ये भी आप लोग को पढ़ना है अमिंद्रनाथ टैगोर की जर्नियंस है ना जीवन संध्या शिव क्षति राधिका मेघदूत हम ये पढ़ेंगे यहाँ तक हम पढ़ेंगे बेटा किसके अंदर अपना मिड टर्म के अंदर यहाँ तक मिड टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्कूल लेवल पर ही पेपर तैयार होगा मिड टर्म का इसके बाद आप लोगों का जो है बी द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट यहाँ का सिलेबस आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा एनुअल के लिए ठीक है इसके अंदर आपकी कुछ पेंटिंग्स हैं स्कल्पचर और ग्राफिक प्रिंट हैं तो जो पेंटिंग्स हैं वो है आ, समुद्र का मान मर्दन करते राम मदर एंड चाइल्ड है यामनी रॉय की हल्दी पीसने वाली अमृता शेरगिल और मदर टेरेसा एफ हुसैन क्या ग्राफिक प्रिंट्स चार हैं आप लोगों के सिलेबस में बच्चे सोमनाथ और देवी ज्योति भट्ट ऑफ वॉल्स दीवारों से सरोकार अनुपम सूद मैन वुमेन एंट्री के लक्ष्मा गोड़ का है और इसी तरह से चार स्कल्पचर आपके थ्योरी में है ट्रिप ऑफ फ्लेवर डी पी राय चौधरी की श्रम की विजय सांथाल पैमरी रामकिंकर बैच चीखे अमरनाथ सहगल और गणेश पी वी जानकी राव ये है आपका सिलेबस ऑल ओवर सिलेबस थ्योरी तीस नंबर का सत्तर नंबर का प्रैक्टिकल है सेम ऐसे ही है ठीक आ, आप लोगों का नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी हो जाएगा लाइट पर बेस पच्चीस नंबर का एग्जामिनर आएंगे बाहर से पेंटिंग कंपोजिशन वही तीन फेसेस फ्रंट फेसेस रहेगा है ना बाजार का दृश्य और वही सब तो पच्चीस नंबर का ये हो जाएगा और बीस नंबर का आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट होगा जिसको आपको अच्छे से बनाना है ये बीस नंबर आपको आपके सब्जेक्ट टीचर ही देंगे और ये जो प्रैक्टिकल वाले पचास पच्चीस पच्चीस पचास नंबर है वो एग्ज़ामिनर बाहर से आकर के देंगे तो बेटा उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा काफ़ी जानकारी आपको इस वीडियो से मिली होगी शिक्षा प्रवाह को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कल से हम शुरू करने वाले हैं अपना सिलेबस और आपका मॉडल टेस्ट पेपर कैसा रहेगा मतलब उस चीज की भी हम बात करेंगे धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोज़ में तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज